केतु का आपका अच्छा होगा ना तो इंसान का ब्रांड बन जाएगा ठीक है तो केतु का करने केतु के अच्छा करने के लिए केतु अच्छा कैसे करना है कैसे करना है केतु जो है हमारा पुत्र संतान है ठीक है जी जिनके आग... पुत्र संतान नहीं होते उनका केतु खराब होता है उनकी कमर टांगों घुटनों में दर्द रहता है नाभि से नीचे के रोग रहते जिनका केतु छुपी हुई बीमारियां छुपे हुए दुश्मन अज्ञात शक्तियां सारी केतु के होती हैं कुछ नहीं करना आपने आपने छत पे जाके झंडा लगाना ऑरेंज कलर का और साउथ की डायरेक्शन में लगाना और देखो जब बेटा होने के बाद तरक्की होनी शुरू हो जाए तो समझ जाए कि केतु हमारा अच्छा है और बेटा होने के बाद या तो बेटे का सुख ना मिले या बेटा होने के बाद दिक्कत परेशानियां बढ़ जाए तो समझ जाइए कि केतु हमारा खराब है तो कुत्तों की सेवा करके अपने केतु को ठीक कर लीजिए बिल्कुल तो केतु अगर आपका अच्छा है ना तो आपकी ब्रांडिंग करवा देगा और जो लोग बात बात पे रोते हैं दुखड़े रोते हैं तो केतु कहता है अपना दुख जो है ना किसी को मत बताओ कि हाय जा हाय मेरे साथ दो ऐसा दो हो गया दो रोते दो रहते, दो रहते रोते रहते रोते रहते हैं तो वो जाने अनजाने में अपने केतु को डिस्टर्ब कर लेते हैं अब केतु अगर आपका डिस्टर्ब होगा ना तो आपका शनि खराब हो जाएगा आपका बृहस्पति खराब हो जाएगा बृहस्पति खराब होगा तो आपका बुध खराब हो जाएगा बुध खराब 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 होगा होगा तो तो आपका आपका मंगल मंगल हो जाएगा सूर्य चंद्रमा और आपका जो है ये मंगल सारे ग्रह आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे आप, आप लो लोग मीडिया से रिलेट करते हैं शुक्र 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 अच्छा होना चाहिए चांदी के छल्ले अंगूठे में पहनिए शुक्र आपका बल्ले बल्ले अच्छा चांदी के छल्ले ये ये कई ये देखिए दो दो पहन के बड़ी कोशिश करी मेरा शुक्र मेरे <laughs> मैं <की करा। laughs> पहना मैं <की> करा। <laughs> लेकिन फिर आप, आप लोग भी मैंने देखा है कि पिछले एक डेढ़ दो महीने से फेमस हुए हैं ज्यादा तो ये ये भी आपने कोई रेमेडी हाँ रेमेडी की थी जैसे कि मैंने आपको बताई ना आपकी वाले मैंने यहाँ पर अट्रैक्शन जोन में सिर्फ एक छोटा सा उपाय आपको बताएंगे एक आपको मैंने नहीं आपको मैंने जो आपने देखा होगा वो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वो भी मेरी क्लाइंट ही है वो जो अब आपको भी मैं एक टिप जो मैंने आपको बताई है कि हायर बैंक बैलेंस की जो एंट्री हमने खोलनी है नीचे जी, जी। जी। जो हमारी एंट्री जब हम लोग आपके स्टूडियो में आए तो हायर बैंक बैलेंस की एंट्री यहाँ पर खोल के जाएंगे हम आप क्या कहते हैं की जो है ना तो उससे क्या होगा कि कहते हैं कि इंसान जो है हायर बैंक बैलेंस तो क्या था कि देखो अब जो है ना हमने अपना क्या किया था अभी हमने अपना फेमस जोन एक्टिवेट किया है ठीक है ऐसा क्या होता है कि जैसे कि आपकी जब दशाएं आती है ना दशाएं आती हैं तो आपकी दशाएं आती हैं और आपकी अंदर दशाएं होती है तो उस टाइम पीरियड पर हमारी होवली वास्तु एक्टिवेट हो जाती है ओके ठीक है तो वो वास्तु ए, हमारी एक्टिवेट हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना होता है ठीक है तो अगर आप उसके अकॉर्डिंगली अगर चलना शुरू कर दोगे अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली क्या चीज आपको जिंदगी में चाहिए आपको नेम चाहिए आपको 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 फेम चाहिए आपको पैसा चाहिए आपको चाहिए आपको क्या चाहिए पैसा लग्जरी क्या उस हाउस को हम आपकी कुंडली के एक्टिवेट कर देते हैं बेसिकली हम लोग ट्रेडिशनल वास्तु से को तो लेते लेते हैं साथ में मॉडर्न वास्तु को मिलाकर उस हाउसेस को एक्टिवेट करवा देते हैं लेकिन वो थोड़े टाइम तक होता है अच्छा ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कहा कि भारती जी आपका तो पूरा हमेशा हमेशा के लिए फेमस वाला जो है एक्टिविटी आपका तो बाय बर्थ हो गया है भारती आपका बाय ही, आपकी दिशाएं जो लगी अभी हम कुंडली तो डिस्कस कर ही लेंगे अभी की साथ पत्रिका -साथ में, तो साथ -साथ में। लेकिन बेटा के भी चंद्रमा उसका बहुत बढ़िया प्लेस हुआ अच्छा ठीक है और तो 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 बेटे की पत्रिका में सूर्य भी बहुत अच्छा प्लेस हुआ तो उसके बाद फिर लाइफ में चेंजेस आए तो ये हमारी पत्री और आपके कर्म कटे समझ में आई कई बच्चे पैदा होते हैं ना घर में पैदा हो जाती है ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो हमारी मनूसियत हमारे वो पेंटिंग कर्मा थे जो हमारे बच्चे, को भगवान ने, बच्चे का नहीं है वो तो। वो बच्चे ने भगवान ने हमें भुगतवाना है अब हमारे पास कल एक क्लाइंट आई वो कह रहे हैं क्या कहते कि जो है ना कि बच्चा जो है ना उसको लेकर आई कह रही कि भाई ये जो है ना बच्चा हुआ और गुरुजी ने बस देखते हुए बता दिया कि आपके बच्चे को ना ये तो इसको तो माइंड डिस्टर्ब है इसका तो

अब अगर हम बचपने में जाएं एक टीचर गाइड लेके आता था उसमें से पढ़ाता था एक टीचर बिना गाइड के आता था जो ही सॉल्व कर देता था सारे साम वो टीचर अच्छा था जो गाइड में से पढ़ाता था वो अच्छा था बिना गाइड वाला क्योंकि एक्सपीरियंस था Correct. Correct. और उसके पढ़ाना में मजा आता था क्योंकि उसके टिप्स पे है सब कुछ टिप्स पे है तो ये एक्सपीरियंस हो जाता है बाईस सालों तो में ये ध्यान जरूर रखना है जाके बताना नहीं है कि भाई मेरे को ये 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 प्रॉब्लम है जो चुपचाप बैठ जाओ किसी के, किसी के पास भी जाओ किसी के पास भी जाओ किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ किसी भी वास्तु शास्त्री के पास जाओ अगर वास्तु शास्त्री भी अगर आपकी वास्तु करने के बाद आपको हायर बैंक बैलेंस की एंट्री नहीं खोल के गया आपको आपको क्या चाहिए आपको नेम चाहिए तो नेम नेम फेम फेम तो वाले कौन से देवता है हमारे पैंतालीस देवता हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो भी आपके प्रमिशिज है ना उसमें पैंतालीस देवता बैठे हुए हैं उसमें से आठ देवता ऐसे हैं जो आपको माला माल कर सकते हैं अगर आपने उन देवताओं को जगा लिया तो आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है आप सोच नहीं सकते अब एक देवता को मैं आज आपको एक पॉइंट बताने जा रही हूँ एक कटोरी देसी घी रखना है ओके okay. ठीक है वो तीन दिन बाद वो देसी घी मैं बता के जाऊंगी कि वो कहाँ पर आपको जाके रखना है वो किसी कौन से पेड़ के पास में उसके बाद वो देवता आपका ऐसे एक्टिवेट होगा और उसके बाद जो हम अगर उसको भोग देना शुरू कर देंगे तो वो हमें क्या क्या देगा

बिचारे के जा रही है तो वो आपको क्या ठीक करेगा ये कारण होता है उसका बहुत तो सही ये होता है तो आप कैसे करेंगे तो आपके आपको फेम नेम गेन वाले अपने देवताओं को एक्टिवेट करना चाहिए हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए